visuals, exactly. आँखों की ठंडक. Crazy over पे से आँख नहीं हट रही. It's a different story. So well done, so well shot. Yeah, I'm happy. मुझे लगता था कि जब काबली पुलाव खत्म हुआ तो पता नहीं कितने अरसे बाद तक हमें कोई एक ऐसा ड्रामा जिसको के मैं अपने रिव्यू लिस्ट में सबसे एंड में रखती हूँ ना, जो अच्छा वाला होता है, ताकि आप सब जो भी टॉर्चर है वो बर्दाश्त करके और एंड में अपने लिए एक खुशी का मोमेंट रख लो. वो आई थॉट के पता नहीं कब आएगा ना ऐसा कोई प्ले, बट हाई इज़ द प्ले फॉर मी. इट जस्ट गॉट मी हुक्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विद द स्टोरी लाइन, द स्क्रिप्ट राइटिंग, द कास्ट and the direction, and the visuals exactly. yahi main kehne wali, and the visuals, because pehle mein jab aapke paas aur kuch abhi kahani mein itna batane ko nahi hai, ek khandan aaya hai, wapas aaye hain, yahan pe rehna chahte hain, acche log hain, pyare log hain, shaadi ki taiyari karenge, wo ek khandan hai jo khatarnak hai, rivals hain, to choti si story line hai, but the visuals were so gripping. Every place that this director and production took us to were aankhon ki thandak thi wo jagah, and I kept asking ye kaun si jagah thi jahan tum logon ne shoot kiya tha, jis kisi bhi cast mein se main jinse bhi mili hu, aur matlab agar kuch bhi nahi hai to bhi I think ye wo drama hai jiske main driving force jo hai वो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर है. द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन आर द हीरोज ऑफ द प्ले. आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, आई लुक फॉरवर्ड टू इट. हुक पे हुक है, यू नो, एक बात खत्म होती है तो नई आ जाती है, एंड देन लीव्स अ हुक. मैं डर के देख रही हूँ अभी, बिकॉज ये वैसी वाली कहानी नहीं है जो सिर्फ एक यू नो लफ्ज़ों से बयान होती, जैसे हमारा काबली पुलाव था, मज़े की घरेलू सी हल्की सी. ये एक ज़रा सी टेक्निकल बात भी है जिसमें कहीं भी गलत होने के चांसेस, सो इट स्केयर्स मी कि कहीं अब कोई गलती ना हो जाए, अभी कुछ गलत ना हो जाए, अभी कोई क्वेश्चनेबल मोमेंट ना आ जाए. अभी तक नहीं आया. मुझे लगा जब वो लड़की तस्वीर उतार के और दूसरी दीवार पे लगा रही थी, शिट, आ गया वो मोमेंट, क्योंकि ये तो खुलेआम कर रही है और ये पकड़ी जाएगी और कोई इसको क्वेश्चन कर लेगा. बट जब उसकी एक्सप्लेनेशन आई, जिस तरह से उसने कवर अप किया, जब और हुआ यही कि ससुर आया और उसने आके पूछा कि तुमने ये क्या किया है, ये तस्वीर यहाँ से यहाँ क्यों कर दी है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारी थी, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एक्सप्लेन. क्या थी वो? उसने कहा कि ये सब जिंदा लोगों की तस्वीरें हैं, इनके साथ जो नहीं होता उसकी तस्वीर नहीं लगाते. मेरे घर खानदान में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर को लहदा कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से, मैं शायद उतने अच्छे लफ्ज़ों में नहीं बता रही, इट वॉज़ वेरी वेल सेड. सो बुरा नहीं लगा, और वो आदमी भी कन्विंस हो गया. यहाँ मैं एक मोमेंट लेना चाहती हूँ उस खालिद भट्ट साहब के लिए, जिन्होंने पहले मोमेंट से जब वो आए हैं शुरू बाप के, एंड आई सेड ये कौन है, एंड देन आई रियलाइज्ड इट्स खालिद भट्ट साहब, एंड ही स्टन्ड मी. ही प्लेड हिज कैरेक्टर सो वेल. वो संकन चीक्स, वो डिमीनर और लाइन बोलने का अंदाज, और फिर उन्होंने, फिर हमारा दिल टूटा जब पता चला कि वो, यू नो, राइट व्हेन वी वर गोइंग क्रेजी ओवर हाउ ही प्लेड हिज कैरेक्टर, ही लेफ्ट अस, एंड इट वॉज सच अ सैड मोमेंट. वो खबर सुनना, और फिर बड़ी बीमारी में उन्होंने ये शूटिंग, बहुत बीमारी में, मुझे इतनी हाइट पे जब उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी, कुछ खा नहीं सकते थे, फिर भी इतनी एनर्जी के साथ माशाल्लाह उन्होंने काम किया. बेस्ट कैरेक्टर ऑफ हिज लाइफ. वो पूरा दिन सेट पे होते थे, ही कुडंट ईट एनीथिंग बिकॉज वो ही हैड अ कंडीशन, उनका कैंसर था या कोई कुछ और था कुछ, बट बस सीवियर बीमार थे वो, और वो पूरा दिन कुछ नहीं खा सकते थे, और उसके ये परफॉर्मेंस. अब जब मैं ये देखती हूँ तो मैं कहती हूँ दिस इज द कमिटमेंट ऑफ एन एक्टर टू हिज क्राफ्ट. आराम करने के बजाय उन्होंने कहा मैं अपना पैशन जाके, किसी ने कभी अभी तो सेट पे किसी को पेपर कट लग जाता है, मुझे घर जाना है. मैं अभी देख रही थी, किसी ने उनकी और कवि साहब की तस्वीर साइड बाय साइड लगाई थी, एंड आई सेड बिल्कुल
ये हैं वो लोग जो डिफाइन करते हैं इस काम को और कमिटमेंट के लेवल को जो इस काम को चाहिए है. सो खालिद भट्ट साहब, सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही वाज द ही विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्ले. आई मीन जब तक वो इस ड्रामे में होंगे उन पे से आंख नहीं हट रही, इतना अच्छा वो कर रहे हैं. द डायरेक्टर, द राइटर फैसल ऑफ कोर्स एंड खालिद भट्ट साहब, ये चार ड्राइविंग फोर्सेस हैं इस ड्रामे की. और जाहिर है लोकेशंस, बट मैं उसका क्रेडिट डायरेक्टर को ही दूंगी. सो वाओ, सो हैप्पी टू बी यू नो हैविंग खाई इन आवर लाइव्स टू वॉच एंड आई होप इट जस्ट गोज अप एंड अप एंड अप एंड अप. तो वही, ये वही दो थंब से ज्यादा की जगह है, बट फॉर राइट नाउ आई विल डू इट. चलो, थ्री थंब. वेल डन. साइन आई चेक्ड के इन्होंने क्या किया है इसके अलावा. तो नमक हराम, ओके, जो हमने रिव्यू किया था. हाँ, we only did one episode of that. हाँ, we only did one of that. So I want to, मैंने सोचा कि अच्छा, फिर वो स्क्रिप्ट भी पढ़ने वाला तो होगा यकीनन. This script, as I told you before, बहुत अरसे से वजाहत के पास था और उसने, I think, कभी mention भी किया था कि मेरे पास एक बहुत कमाल script है जो मैं बनाना चाहता हूँ, because he was, you know, sold over this script. और काम भी किया होगा यकीनन फिर बहुत ज़्यादा. और ये वही बात है कि ग्रीन ने आके हमें डिफरेंट काम करने के रास्ते खोल दिए हैं, दिमाग खोल दिए हैं चैनल और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए. सो मज़े की बात, सबसे मज़े की बात तो यही है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी लाइन. दिस अगेन इज़ दैट काइंड ऑफ राइटिंग. वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सिक्लैन, इसी किस्म का काम करें और बहुत अच्छा काम करें. फॉर नाउ आई हैव एन 8 फॉर हिम. बहुत सारी चीज़ों का जो क्रेडिट है वो डायरेक्टर को देना है, जैसे कि लोकेशंस का. मरीना को लगा कि घर बहुत खूबसूरत था उन लोगों के लिए, मुझे लगा सोफिस्टिकेटेड एंड लुक्ड रियली लवली. नो जस्ट लव इट, है ना. आई लव इट बिकॉज़ मुझे लगा कि अच्छा विजुअल है, बिकॉज़ दूसरी फैमिली के लिए सोफिस्टिकेशन यू कैन अंडरस्टैंड, बट दिस फैमिली आई फील, बट इन्होंने रखा इसको कन्वेंशनल. वहाँ पे तो ग्लास विंडोज थी, यहाँ जरा अंदरूनी है और पत्थरों का बना वही की चीजें हैं. बट द विजुअल्स दैट ही इज मेकिंग विद दीज प्लेसेस इज अ ब्यूटीफुल. लड़की लड़के का जो भी आखिरी एपिसोड में सीन था, ये जो दो एक दूसरे को के पीछे की मोहब्बत में है, वो जो जगह थी वो तो कोई, मुझे लग रहा था कोई इंग्लिश कंट्री साइड है. इतनी खूबसूरत जगह थी एंड द शॉट्स, उस लड़की का आके पानी में पैर डाल के बैठना, इट्स एस्थेटिकली सो प्लीजिंग. ऑल द विजुअल्स, जहाँ तस्वीरें खींच रहे थे, जहाँ पहली दफ़ा गाड़ी आके उस इनको इंटरसेक्ट करती है और वो कहते हैं इससे आगे मत जाना उनका इलाका है, वो सब बहुत खूबसूरत था. मुझे किसी और ने भी कहा कि बहुत गोरी डिटेल्स थी, बहुत ज्यादा खून था. आई सेड बट इट वाज, दैट वाज द डिमांड ऑफ द सीन. ये जगह दिखाने के लिए इस जगह तक दिखाना जरूरी था, और वो किलिंग और वो गोलियां चलना, वो सब जस्टिफाई था. तभी तो ख्वाबों में वो रहेगा, हॉन्ट करेगा ड्रामा, तभी वो रहेगा आपके साथ. एंड दैट शॉट जहां वो उज़्मा हसन काले कपड़ों में है और बहुत सारी औरतें, और फिर वो बहुत सारे हाथ हैं उसके इर्द गिर्द, और फिर वो बहुत सारे हाथ कब्र पे हैं, यू नो, और फिर वो उठाने वाला सीन, इवन दैट मेड सो मच सेंस. मैंने कभी नहीं देखा तकबीर और फैसल का उठाना, जो चारपाई होती है उसको. देयर वर सो मेनी ऑफ दीस मोमेंट्स, सो वेल डन, सो वेल शॉट, दैट इट वॉज हार्टनिंग. सो मेरे हिसाब से डायरेक्टर को मैं दूंगी 9 नंबर. अच्छा, हम मैं सोच रही थी कि इस जगह कोई और आ सकती थी लड़की, तो मुझे लगा कि जो विजुअल है ना, ये वाला जो शक्ल उस इलाके की जिस तरह की, उसमें बहुत कम लोग इतने परफेक्ट बैठते जितनी परफेक्ट दुरे फिशान लगी है. बट हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा कैरेक्टर है, और वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि इतना बैकग्राउंड है इस कैरेक्टर का, उस लड़की का. एवरी टाइम वो आदमी आके उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि तुम हंसती भी अच्छी लगती हो, तो उसकी शक्ल पे तो वो समहाउ मुझे अभी वो चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत कुछ है उसके पास करने को. एक
जहान है उसके पास करने को, वो जगह भी जहाँ मैंने कहा कि मुझे लाइंस ने गूज बम्स दिए थे कि यू नो ये कब्र जो है ये मैंने इन लोगों के लिए खो दी है और अगर ना मार सके इनको तो खुद आके, वो बहुत बड़ी लाइन थी. सो दुर्गा फिशा इज़ डूइंग फाइन बट आई वॉन्ट टू सी हर डू बेटर देन फाइन. बहुत बड़ी जगह मिली है उस बच्चे को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो फॉर नाउ आई थिंक आई स्टिल इट्स अ गुड जॉब. आई डेफिनेटली गिव हर अ 7 बिकॉज डेफिनेटली बेटर देन वॉट शी इज़ डूइंग इन इश्क मुर्शिद. वहाँ तो बिल्कुल उसके पास करने को नहीं है. यहाँ पे ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इसके लिए तो लोग अपना सीधा हाथ दे दें ऐसी ऐसा कैरेक्टर लेने के लिए. सो 7 गुड जॉब. मैं क्या कहूँ, मैंने पहले सीन में उनको देखा था ना, सेड बाप इतना कोई स्टेलर कास्टिंग. मैंने मतलब कास्टिंग के सारे नंबर सिर्फ उनको देख के 100 दे दिए थे. मुझे यही के वजह से कैसे सोचा, उनके जहन में कैसे आइडिया, क्यों मुझे भी ओनली हिम भी, और ये आइडिया आया कि ओनली हिम यही करेंगे वरना कोई नहीं. एंड नो मैटर व्हाट, जिसने पहले कभी इतना कैरेक्टर नहीं किया हुआ, क्या उनसे कोई पूछे एंड द वे ही परफॉर्मड एंड द वे ही लुक्ड, उनका डिमीनर वो लग रहे थे और वो सख्ती और वो सफाकी जो उनकी हर बात से आती थी ना कि ये क्या किया है और ये कैसे किया, और वो दानिश, वो अभी भी जो उन्होंने कहा कि तुमने अपना हाथ काट लिया है दोस्त को मार के, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो तुम्हारी आंखें था, अंधे हो गए हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा दोस्त और दुश्मन का. एंड द वे ही डिलीवर्ड ईच एंड एवरी अभी तक जितने सीन्स थे उनके, 10 फॉर हिम फॉर श्योर.